झांसी के थाना प्रेमिंगर इलाके में कुछ दिन पहले हुई लूट का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने लूट के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 आरोपियों की पुलिस को अब भी तलाश है। पुलिस ने इन बदमाशों से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व नकदी भी बरामद किया है। मध्य प्रदेश जिला के शिवपुरी क्षेत्र के ग्राम मोहरी खनियाधाना निवासी संजीव लोधी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 3 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे अपने साथी आदेश यादव के साथ ग्राम चमरौवा से समूह का पैसा लेकर झांसी आ रहा था। इसी दरमियान रास्ते में हाईवे के किनारे 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर बैग छीन लिया, जिसमें 77,800 रुपए व 2 मोबाइल थे। शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई। सूचना तंत्र की मदद से पुलिस ने आरोपियों को रक्सा की ओर जाने वाली हाईवे पर फ्लाईओवर के आगे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 30,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल, 2 तमंचा, 4 कारतूस और 1 बैग की बरामदगी की है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम उत्तम उर्फ कल्लू यादव पुत्र हिम्मत सिंह ग्राम गोदन जिला दतिया, नीरज यादव पुत्र भगवान सिंह ग्राम सिंहपुरा जिला दतिया, विशाल यादव पुत्र स्वर्गीय विनोद यादव निवासी ग्राम चमरौड़ा झांसी बताया। इस लूट के सफल अनावरण में एसओजी प्रभारी आशीष मिश्रा, थाना प्रेमिंग प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह, बिजोली चौकी प्रभारी सुरेंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल दुर्गेश चौहान, श्याम बाबू, शैलेंद्र शुक्ला, संजय यादव, प्रदीप कुमार की भूमिका रही है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बिजोली के आसपास एक कुछ दिन पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारियों से लगभग 70,000 के लगभग कैश लूटा गया था तमंचे के बल पर। थाने पर तत्काल FIR लिखा गया है और अलग अलग टीम गठित करके उसका खुलासा है तो लगे थे। उसका सफलता प्रेमनगर पुलिस को और SOG टीम को मिली है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 लोग दतिया के रहने वाले हैं और 1 जो है हमारे क्षेत्र बबीना के रहने वाले हैं। और इनके पूछताछ के दौरान 2 लोगों के और नाम प्रकाश में आए हैं और वो चमरावा गांव से जो सूचना कलेक्शन की मिली है उसी के आधार पर इन लोगों ने लूट की घटना का अंजाम दिया है। 3 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी 2 लोगों की तलाश और किया जा रहा है, जल्द से जल्दी वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। अभी जितना संज्ञान में है उसमें 2019 का कुछ कल्लू नाम के अपराधी पे है, बाकी अभी और गहराई से पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। अभी इनके कब्जे से 30,000 की कैश बरामद हुआ और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुआ है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और भी कोई घटना की कारित किए के लिए और उसके संबंध में अपडेट बाद में दी जाए।